Amazing, Rashmi. बहुत superb dance करती है तू. Guys, सिर्फ dance ही नहीं, बहुत अच्छा गाती भी है. और तेरे अंदर तो God gift talent है यार. तू अगर चाहे ना तो बहुत बड़ी singer और dancer बन सकती है. Come on, guys, enough now. Don't pull my leg now. You know, मैं सिर्फ अपने लिए गाती हूँ और अपने लिए dance करती हूँ. It's a passion for me, guys. You know that. We are not pulling your leg. तेरे अंदर वो बात है रश्मि कि तू चाहे ना तो म्यूजिक वर्ल्ड में हंगामा मचा सकती है और इस मल्लिका अरोरा की छुट्टी कर सकती है. ए, डोंट से एनीथिंग अबाउट मल्लिका, ओके? यू नो आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ हर्स. इसकी छुट्टी कोई नहीं कर सकता. ऑलराइट, वी नो शी इज अनबीटेबल, लेकिन हम लोगों ने तेरे बारे में जो कहा है ना उससे जरा सीरियसली सोच. ऑफ कोर्स यार, यू कैन रियली बी अ स्टार. आई नो गाइस, लेकिन मेरे पापा है ना, आई डोंट थिंक ही विल एग्री. अरे तू पहले से सब कुछ नेगेटिव क्यों सोच लेती है यार, एक बार पापा से बात करके तो देख. यू शुड ट्राई, ऑफ कोर्स ही इज राइट. यस, डॉक्टर संजीव जेटली है. और यू मिस्टर दास, क्यों क्या प्रॉब्लम हुआ? ओके, आई गॉट इट. घबराने की कोई बात नहीं है, कई बार गैस की वजह से भी चेस्ट पेन हो जाता है. यू डू वन थिंग, कम टू माई क्लिनिक, मैं चेकअप कर लेता हूं. ओके ओके ओके, बाय बाय. मॉर्निंग पापा. गुड मॉर्निंग. ये लीजिए. रश्मि, What happened? आज कुछ चुप चुप सी लग रही हो. पापा, I want to tell you something. बोलो. पापा, मैं अपने करियर के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ. ये तो बड़ी अच्छी बात है. Okay, go ahead. I want to try my luck in the entertainment world. Entertainment world? हाँ पापा, मैं सिंगर और डांसर बनना चाहती हूँ. रश्मि, आर यू जोकिंग? तुम सिंगिंग एंड डांसिंग को अपना करियर बनाना चाहती हो?
It sounds so funny, singing, dancing. मैंने तो तुम्हारा एडमिशन न्यूयॉर्क के कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में करवाने का सोच रखा है। प्लीज पापा, आप जानते हैं मुझे डॉक्टर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ओके, अगर तुम मीडिया में ही कुछ करना चाहती हो तो वहां जाकर मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर लो। प्लीज पापा, मेरे सभी फ्रेंड्स को भी पूरा यकीन है कि मैं एक अच्छी सिंगर और डांसर बन सकती हूँ। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि दूसरों को तुम पर कितना विश्वास है, तुम ये सोचो कि तुम्हें अपने आप पर कितना भरोसा है। आर यू कॉन्फिडेंट? Yes, Papa, I am confident. I'm sure I can make it. Okay. अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें डिस्करेज नहीं करूंगा. But there must be a time limit. मैं तुम्हें एक साल का वक्त देता हूँ. अगर तुम एक साल में कुछ कर पाई तब तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें अमेरिका भेजूंगा. ओके? ओके पापा, डन, थैंक यू। थैंक यू। मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मुझे राहुल साहब से मिलना है। आई एम सॉरी सर, राहुल सर विदाउट अपॉइंटमेंट किसी से नहीं मिलते। प्लीज एक बार मिला दीजिए मैडम। मैंने आपसे कहा मैं उनसे नहीं मिला सकती हूँ। हाय लिली। हाय जूली। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। मेरा नाम संगीत है। मेरा नाम सागर। संगीत सागर। संगीत सागर, बड़े कलात्मक नाम है आप लोगों के। बड़ी खुशी हुई आप लोगों से। धन्यवाद सर। क्या करते हैं आप लोग? हम लोग संगीतकार है सर। संगीतकार? जी। म्यूजिक डायरेक्टर? अच्छा एक बात बताइए जी, आपने इसके पहले कौन कौन सी फिल्मों में म्यूजिक दिया है? सर हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगलर हैं सर। सर हमारे पास 250 गानों की धुनें हैं, अगर एक बार हमको मौका मिल जाए तो हम बॉलीवुड में तहलका मचा देंगे सर। सर सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए सर। अब हमारे आशीर्वाद से कुछ होता नहीं है ना भैया। म्यूजिक डायरेक्टर बनने के लिए दो चीजों की बड़ी आवश्यकता होती है। म्यूजिक में गुरु और इंस्पिरेशन बहुत जरूरी है। इंस्पिरेशन तो है भैया, आपके पास कोई गुरु है? नहीं सर। ठीक है तो मैं बन जाता हूँ। आप और गुरु? राज की बात बताऊं, ये बनारस से क्या हम राहुल साहब की गाड़ी चलाने के वास्ते थोड़ी ना है। हम भी म्यूजिक डायरेक्टर है। और म्यूजिक डायरेक्टर बनने के लिए सबसे जरूरी है निर्माता। निर्माता? ये क्यों? निर्माता नहीं समझते, प्रोड्यूसर यार, जो पैसे लगाता है। प्रोड्यूसर? वो आप एक काम कीजिए, यहाँ से जाइए और सबसे पहले निर्माता ढूंढिए, और जैसे निर्माता मिल जाता है आप हमारे पास ले आइए। गुरु और चेले मिलकर ऐसी धुनें तैयार करेंगे भैया, वाह वाह वाह। एक राज की बात बताऊं, रॉक एंड फॉक म्यूजिक को मिक्स करके हमने ऐसा शाक धुनें तैयार की है कि दुनिया हिल जाएगी भैया। साहब ये शाक म्यूजिक क्या होता है? शाक नहीं समझते जी? नहीं। शाक बिजली का झटका, करंट। अरे बाप रे। अब यही झटका बाहर जाके निर्माता ढूंढने में लगाइए। जाइए 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 जाइए। जाते हैं। कहां कहां से चले आते हैं बुर्बक? यस सर, वन मिस रश्मि जेटली वांट्स टू मीट यू। रिगार्डिंग व्हाट? शी इज अ डांसर एंड सिंगर। राइट नाउ आई एम क्वाइट बिजी, उससे कहो कि 2-3 महीने बाद आए। ओके सर। सॉरी मिस रश्मि, सर बहुत बिजी हैं, आप 2-3 महीने बाद आकर मिलिए। हेलो हेलो हेलो, मुंह खोलिए और बोलिए। हाँ मैं मनमोहन रंगीला बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। क्या हीरो बनना है आपको? देखिए हम लोग नॉन स्टार कास्ट फिल्में नहीं बनाते, हमारे पास शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, फरदीन खान, सब खान लोगों की लाइन लगी है। अच्छा सुनो, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको लॉन्च करें तो 10 करोड़ का फाइनेंस ले आइए, 5 करोड़ का एक क्विकी फिल्म बना देंगे। अगर आप चलेंगे तो ठीक है, नहीं चलेंगे तो 2-3 बार और लॉन्च करेंगे, 15-20 करोड़ और भेज दीजिए। हाँ फोन रखिए। कैसे कैसे फोन आते रहते। सुबह से शाम तक ऐसे फोन आते रहते, किसको हीरो बनना है, किसको विलन बनना है, किसको गीतकार बनना है, किसको संगीतकार बनना है, किस किस को क्या क्या बना। तो मिस सोनिया, सोनिया क्या है ना, हमारी इस लाइन में टैलेंट से कुछ नहीं होता। जी सर। कुछ नहीं होता, आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दैट। क्या है ना, जो भी हमारे लाइन में होता है वो रिलेशन से होता है।
आपकी और हमारी दोस्ती तो बन गई है ना? बन गई है ना? बन गई है ना? तो आपके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। बीवी बनाऊ आपको? What? फिल्म में हीरोइन के बाद बीवी का रोल फिल्म में। देखिए आपको कोई गलत फहमी हो रही है, मैं एक्टिंग करने के लिए नहीं सिंगिंग के लिए आई हूँ। सिंगिंग के लिए आई हो? मुझे लगा एक्टिंग का शौक है। क्या है रोजी, अपना ध्यान कंप्यूटर की तरफ लगाओ। ये तुम्हारा ध्यान इधर ही रहने दो ना। कहाँ रहती हो तुम? लोखंड वाला। बहुत हार्ड होगा ना? हाँ? मतलब लोखंड वाला बोले तो घर में कौन कौन रहता है? मेरे अलावा मेरी माँ है। क्या हुआ सर? माँ का नाम सुनते ही ऐसे ही होता है। माँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है करियर बनाने में। क्या है ना, तुमको अगर कोई अच्छा रोल मिल रहा है तो माँ की नाटक की वजह से वो निकल जाएगा। सर मेरी माँ मेरे साथ नहीं रहती, वो तो दिल्ली में है। ग्रेट, दिल्ली में रहती है, उनको वहीं दिल लगाने दो, तुम यहाँ स्ट्रगल करो। सर आप तो राहुल साहब से मेरी मीटिंग करवाने वाले थे ना? क्या करोगे राहुल से मिलकर, आखिर डिसीजन तो मुझे ही लेना है ना। समझो अगले म्यूजिक एल्बम के लिए मैं तुम्हें फाइनल करता हूँ। थैंक यू सर। लेकिन रात की मीटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब डिस्कशन से जो भी निकलेगा ना, लेकिन अगर मैं किसी को ओके कर देता हूँ ना तो राहुल सब कभी ना नहीं बोलते हैं। कल क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं सर, मैं कल फ्री हूँ। फ्री हो? कल रात को सर साथ में करते हैं ना। क्या? डिनर। ठीक है सर। सर मैं अपनी सीडी लाई हूँ, प्लीज सर एक बार सुन लीजिए ना, प्लीज प्लीज। कल रात को सुनते हैं ना? ठीक है सर। पहले थोड़ा थोड़ा मारते हैं। ठीक है सर। फिर सीडी सुनते हैं। ठीक है सर। फिर डिनर करते हैं। ठीक है सर। फिर ठीक है। नमस्ते। नमस्ते रंगीला साहब। नमस्ते मैडम। इनकी तारीफ? नाजीश को चंदन बनारसी कहते हैं। अच्छा। आने वाले कल के महान संगीतकार। ओहो, आप संगीतकार हैं? नाइस मीटिंग यू सर। संगीतकार नहीं है सिर्फ कार, राहुल साहब की कार के ड्राइवर है ये। कुछ दिमाग नहीं है, संगीत का कुछ आता नहीं है। बात करता हूँ जरा। हेलो मिस्टर रंगीला। हाँ राहुल साहब, मेरे कैबिन में। ओके मैं आ रहा हूँ। सोनिया मैं राहुल साहब के पास जाके आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, और बाकी कल फोन पर बात करते हैं। अरे आप कहाँ जा रही है? बैठिए ना, ये रंगीला से ज्यादा हम काम आ सकते, राहुल साहब के हम बहुत करीब है। अच्छा सोनिया, अपने स्टेटस का ख्याल करो, जिंदगी में अगर कुछ बनना है तो ऐसे छोटे मोटे लोगों के साथ मत बैठो। चल। You are right, sir. Yes, चल। Actually, Mr. Wali, इस समय हमारी कंपनी के पास कई सारी फिल्मों के म्यूजिक राइट्स हैं। इसलिए आपकी फिल्म का म्यूजिक राइट्स लेना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। आप तकरीबन 2 महीने के बाद एक बार फिर से। Yes, Mr. Good morning, sir. Good morning. सर मैं आपको कुछ फोटोज दिखाना चाहता हूँ अपने म्यूजिक एल्बम के लिए, नए मॉडल्स भी है। एक्चुअली इसमें कोई खास फोटोज नहीं है सर, अगर आप इस लड़की को देखेंगे तो ये अच्छा डांस भी बहुत अच्छा करती है, फिगर भी बहुत अच्छा है, टू पीस पहनने के लिए तैयार है, और मतलब एक्सपोजर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी तरफ से ये सब फाइनल है, सिर्फ आप देख लीजिए। आप इसे अगले हफ्ते बुला लीजिए। ओके यस मिस्टर वालिया। यस सर। सर आपकी फ्लाइट की टिकट आ गई है और ये कंफर्म है। थैंक यू, माय प्लेजर। राहुल साहब आज शाम मैंने आपके लिए ट्रायल शो रखा है। कुछ गाने पिक्चराइज किए थे, वो एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ। सर आइए ना प्लीज। कब? आज शाम को। जी सर। आई एम सॉरी मिस्टर वालिया, क्योंकि आज शाम को तो मैं बाहर जा रहा हूँ मलिका के शो के लिए, तो मैं तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन आप मिस्टर रंगीला को क्यों नहीं देखते? ओके, आप देख लीजिए मिस्टर रंगीला। मैं जाऊं, ठीक समझे? जी थैंक यू सर।
गुड इवनिंग मैम। वेरी सक्सेसफुल शो। किड्स, ये बच्चे तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। ओके किड्स, किड्स, ओके इनफ इनफ, कम स्वीटहार्ट, बाय 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 किड्स। एक्सक्यूज मी मैम, क्या मैं आपके साथ एक फोटो खिंचा सकता हूँ प्लीज? श्योर। आजा आजा जल्दी आ। मैम एक और, एक और प्लीज, एक और। Put it back. We're back. Malika, ये तुम्हारा बॉडीगार्ड क्वारी क्रेजी गाय है। अगर मैं आज इसे नहीं रोकता तो ये शायद उस आदमी को जान से ही मार देता। आज जो कुछ हुआ वो कोई नई बात नहीं है। Really? ये कई बार पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है। एक बार तो लंदन में, my God, एक अंग्रेज ने बस मेरा हाथ ही चूम लिया था कि जनाब ने तो पुलिस आ गई थी वहां। By the way, I don't think you're normal. You're right, ma'am. एक नॉर्मल आदमी किसी का बॉडीगार्ड बन भी नहीं सकता। जानती हैं क्यों? क्योंकि किसी के जान के हिफाजत के लिए कभी कभी अपनी जान भी जोखिम में डालनी पड़ती है। और जिस इंसान के अंदर मौत से टकराने का हौसला होता है वो आम आदमी हो ही नहीं सकता। और आज ये जानकर बहुत खुशी हुई कि जयदेव अपनी ड्यूटी अच्छी तरह समझता है। गुड, यू आर इन सेफ हैंड्स। आई नो दैट। वैसे जान की बाजी तो मैं भी लगा सकता हूं तुम्हारे लिए। तुम चीज ही ऐसी हो। कम ऑन। मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हारा दिल कितना चल रहा है, मगर ये आग तुमने अपने अंदर खुद लगाई है। मलिका इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तुमने एक ऐसे फूल की तमन्ना की है जिसकी खुशबू कोई और लूट रहा है। राहुल, ऐसा क्यों होता है जब तुम मेरे साथ रहते हो तो जिंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगती है? शायद इसी एहसास का नाम मोहब्बत है। मलिका से प्यार करते हो ये मैं जानती हूँ, मलिका नहीं जानती। लेकिन तुम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि मलिका राहुल से प्यार करती है, और उन दोनों के बीच सिर्फ प्यार का रिश्ता ही नहीं बल्कि जिस्म का रिश्ता भी है। You know, Malika, I really was a carefree guy before I met you. लेकिन तुम्हारी चाहत ने मेरी जिंदगी को बदल दिया, नई दिशा दे दी। जीना तो मैंने भी तुमसे मिलने के बाद ही सीखा है। पहले मैं शोहरत को दुनिया का सबसे बड़ा नशा समझती थी, लेकिन अब एहसास हुआ है कि चाहत में जो नशा है वो किसी और चीज में नहीं है। शोहरत वक्त के साथ खत्म हो सकती है, लेकिन चाहत अगर सच्ची हो तो जिंदगी के आखिरी लम्हे तक बाकी रहती है। Hey. लाओ, मैं करती हूँ, बैठो। ओके। यू नो मलिका, पापा की डेथ के बाद मैंने अपने आप से एक वादा किया था। जब तक उनका बिजनेस एम्पायर संभालने के लायक नहीं हो जाऊं तब तक अपने बारे में नहीं सोचूंगा। लेकिन अब लगता है अपने आप से किया हुआ कमिटमेंट पूरा हो चुका है। तो अब क्या इरादा है?
लुक मलिका, इज्जत दौलत शोहरत ये सब कुछ है मेरे पास, बस लाइफ में वाइफ की कमी है, तो सोचता हूँ शादी कर ही लूँ। शादी? You mean you want to get married? Yeah. Oh. लेकिन तुम इतना चौंक क्यों गई? क्या शादी करना कोई बुरी बात है? कोई लड़की पसंद आ गई है? Yes. तुमने पहले कभी बताया नहीं? पहले कभी मौका ही नहीं मिला। चलो, अब बता देता हूँ। वो लड़की और कोई नहीं, तुम हो। मैं? How sweet, Mister. अगर मुझसे शादी करने का इरादा है तो जिंदगी भर कुंवारे रह जाओगे। क्यों? क्योंकि मैं शादी वादी के चक्कर में पड़ने वाली नहीं। शादी करने में प्रॉब्लम क्या है? बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखो हम कितने खुश हैं, कितना प्यार करते हैं एक दूसरे के साथ। मेरा मानना है शादी के बाद मोहब्बत खत्म हो जाती है, और मुझे शादी से ज्यादा तुम्हारी मोहब्बत इम्पोर्टेंट है, जो मैं किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। Hey, relax. चलो तुम तैयार हो जाओ, शॉपिंग करने चलो। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ओके ओके। राहुल सुनो, वन मिनट। ओके पूजा। नहीं वो फिल्म तो मैं कल देखूंगी। हाँ नहीं सच पूजा, वन सेकेंड, आई विल कॉल यू बैक। कामयाबी नहीं मिली और वो बाल बाल बच गई। और अब मौसम की जानकारी सुनेंगे।
प्लीज होल्ड ऑन मैम, बॉम्बे टाइम्स से सुनीता वर्मा का फोन है और वो आपका इंटरव्यू करना चाहती है। नॉट नाउ लीजा, अभी मूड नहीं है, कल का रख लो। सुनीता, आई विल लेट यू नो, प्लीज कॉल मी लेटर, थैंक यू, बाय। मैडम ये फूल आपके लिए किसने भेजा है? इसमें मैसेज भी लिखा है। पढ़ के सुनो। ओके, आई वॉज रियली पैनिक्ड व्हेन आई हर्ड द न्यूज अबाउट द अटेम्प्ट टू किडनैप यू ऑन टेलीविजन, बट थैंक गॉड यू आर सेफ एंड बैक टू मुंबई। I pray to the Almighty for your long life with endless love, your admirer, Rashmi Jaitley. How sweet. Ma'am, do you remember her? ये आपकी बहुत ही ardent fan है. On every occasion, ये आपको कुछ ना कुछ भेजती रहती है. कभी cards, कभी flowers, कभी gifts. I think I remember her. पर मुझे नहीं लगता मैं उससे कभी मिली हूँ. पर anyways, thank you note ज़रूर भेज देना. Okay, ma'am. क्या बात है मैडम? किसको मिलना है? साहब है घर पे. साहब? साहब घर पर किसी को नहीं मिलते हैं। अगर तुमको मिलना है तो ऑफिस में जाकर मिलो ना बाबा। देखिए, ऑफिस के चक्कर लगा कर तो मैं थक गई हूँ, वहाँ भी कोई नहीं मिलने देता उनसे। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बाबा? देखिए, ये सीडी मुझे उन्हें देनी है। प्लीज आप मेरी थोड़ी मदद कर देंगे? नहीं 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 नहीं, याचा तो अपन काई मदद नहीं कर सकता मैडम। नहीं नहीं, उनका मोबाइल नंबर तो होगा ना आपके पास? मोबाइल नंबर? साहब का मोबाइल नंबर अपने पास काहे को, वो उनका उन्हीं के पास है। देखिए प्लीज मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए आप। क्या बात है वॉचमैन, मैडम साहब को मिलने को बोलता है जी। अच्छा, बोलिए। अरे बताइए ना, राहुल साहब के हम खास आदमी है, चंदन बनारसी। कहिए किस वजह से आप मिलना चाहती हैं? जी मैं सिंगर और डांसर हूँ। क्या बात करती है, सिंगर और डांसर? अरे मिलाइए हाथ। कहाँ रहती हैं आप? जुहू स्कीम में। जुहू स्कीम? बम्बई का बहुत पास इलाका, बड़े बड़े लोग रहते हैं वहाँ। जाहिर है आपका भी बहुत बड़ा फ्लैट होगा। मेरा एक छोटा सा बंगला है। बंगला? तब तो आपके पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे। जी नहीं, वो एक डॉक्टर हैं, उनका अपना नर्सिंग होम है। जब आपके पिताजी खुद ही इतने बड़े आदमी हैं, तो फिर राहुल कपूर के पीछे भिखारियों की तरह क्यों स्ट्रगल कर रही है आप? मैं कहता हूँ आप अपने पिताजी को पटाइए और एक म्यूजिक एल्बम बना दीजिए। घबराइए मत, आपके एल्बम का म्यूजिक हम ही दे देंगे। अच्छा? हाँ हाँ, अरे हमने बहुत बड़ी बड़ी धुनें तैयार की है। अरे रॉक एंड फॉक म्यूजिक को मिक्स करके हमने ऐसा साख म्यूजिक बनाया है। साख समझते हैं ना आप? अरे साग, बिजली का झटका। रातों रात आप स्टार बन जाएंगी। ये बनारसी गाड़ी निकाल, साहब आ रहे हैं। जी, ये रखे मेरा कार्ड, फोन जरूर कीजिएगा। हाँ जी। ये साहब का ड्राइवर है ना? हाँ, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। यस मलिका, जस्ट वेट फॉर मी, आई बी देयर इन अबाउट 20 मिनट्स। वन सेकंड, चंदन चाबी मुझे दे दो, तुम डायरेक्टली ऑफिस पहुंचो। जी सर। Yeah, I'll see you there. Bye. So, Malika. Ow! Congratulations, sweetheart. तुम्हारी एल्बम इज ओपन टू अ फैंटास्टिक ओपनिंग, जैसे कि इंडस्ट्री में कहते ना, अ बम्पर ओपनिंग। यू नो, मैं इस एल्बम से कम 20-25 करोड़ का बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। राहुल, कभी तो बिजनेस के अलावा कुछ और भी बात किया करो। कम ऑन स्वीटहार्ट, मैं सिर्फ बिजनेस की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे टैलेंट की बात कर रहा हूँ। अब यह तुम्हारे आवाज का जादू ही तो है, जिसकी वजह से पिछले 5 साल में तुम्हारी एक भी एल्बम फ्लॉप नहीं हुई है। यू आर अ स्टार स्वीटहार्ट, यू आर अ बिग स्टार। गुड मॉर्निंग सर। Morning, Mr. Rangila. How are you? Yeah, I'm fine. Sir, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। Sit down, बैठो। सर, जैसा कि आप जानते हैं, मल्लिका के नए एल्बम का ओपनिंग रिस्पॉन्स तो अच्छा था।
लेकिन बाद में ऑल ओवर इंडिया फ्लॉप, मतलब फोर्सेस में भी कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं जानता हूँ, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? सर मैं चाहता हूँ कि अलीगा के साथ अगले जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में आप थोड़ा सीरियसली सोचें। मिस्टर रंगीला, आपको क्या लगता है, मलिका के एक एल्बम फ्लॉप हो जाने से मलिका का करियर खत्म हो गया? नो मिस्टर रंगीला, मलिका एक बहुत बड़ी स्टार है, शी द बिग स्टार। ये एक एल्बम के फ्लॉप हो जाने से उसके करियर को कोई फर्क नहीं पड़ता। जी अभी आप जाइए और अगले प्रोजेक्ट की शूटिंग की तैयारी कीजिए। ओके यस सर। हेलो, मनमोहन रंगीला बोल रहा हूँ। यस मिस्टर चोपड़ा, हाउ आर यू? क्या दिल्ली में भी म्यूजिक एल्बम बिग फ्लॉप? ओके। हेलो, हाँ दास बाबू, मुझे पता है आप क्या बोलने वाले हैं। मल्लिका का नया म्यूजिक वीडियो कोलकाता में भी बुरी तरह फ्लॉप हो गया, यही बताना चाहते हैं ना आप? ओके, मैं बाद में फोन करता हूँ। मल्लिका, द क्वीन ऑफ इंडियन फ्लॉप, सॉरी पॉप, फेडिंग स्टार, वॉश आउट। सर सर, अब क्या इरादा है? तीन एल्बम लाइन से फ्लॉप हो गए मलिका के, अब और कितने एल्बम बनाएंगे उसके लिए? मिस्टर रंगीला, मैंने मलिका से बहुत कमाया भी तो है। तो क्या वो कमाई आप उस पर लुटाना चाहते हैं? देखिए सर, बिजनेस के लिए कैलकुलेशन जरूरी है, और मेरा कैलकुलेशन ये बोलता है कि मलिका अब अपने कैलकुलेशन से बाहर है, उस पर पैसा लगाने से कोई फायदा नहीं। प्लीज डोंट गिव मी एनी एडवाइस, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, किस पर पैसा लगाना है किस पर नहीं लगाना है, मुझे अच्छी तरह पता है। और मलिका मेरे लिए सिर्फ सिंगर या डांसर नहीं है, बल्कि मेरी दोस्त है, माय बेस्ट फ्रेंड। और अगर उसका करियर दोबारा बनाने के लिए मुझे 10-15 करोड़ रुपए बर्बाद भी करने पड़े ना, तो मैं यूं कर दूंगा, समझ गए आप? बिजनेस आपका है सर, इसलिए आपके कैलकुलेशन में जो फिट बैठता है वो सही है सर। मैं तो नौकर आदमी हूं, मुझे अपना कैलकुलेशन नहीं चलाना चाहिए था सर, सॉरी सर, गलती हो गई, अपने औकात भूलकर आपको एडवाइस दे दिया मैंने, सॉरी। लेकिन क्या है ना सर, आपके पिताजी के टाइम से इस कंपनी का नमक खा रहा हूं ना, इसलिए नमक खा वाली जबान पर आ गई, सॉरी, चलता हूं। हाय मलिका। हाय राहुल, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, क्यों ऐसा क्यों लगा तुम्हें? नथिंग, मुझसे कुछ कहना चाहते हो? मलिका, बात यह है कि देखो राहुल, मैं आर्टिस्ट बाद में हूं, पहले तुम्हारी दोस्त हूं, इसलिए जो कुछ कहना है खुल के कहो। मलिका, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी नई एल्बम, उस पर हम काम रोक दें। लुक मलिका, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, कि मेरे लिए भी बहुत मुश्किल डिसीजन है, लेकिन बस इतनी सी बात, लगता है तुमने मलिका को पहचाना ही नहीं। बैठो राहुल,
परेशानी उसे होती है जो सच्चाई का सामना नहीं कर सकते, और मुझ में हिम्मत है. See, the fact is, I'm a fading star. No, Malika. Why do you say that? I know I'm a fading star, but that's okay. और फिर हमारा रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल ही नहीं है, हम साथ में काम करें या ना करें, जिंदगी भर दोस्त रहेंगे. ओके, स्माइल मलिका, I am sorry. Come here, give me a hug. साहेब साहेब, कोई मेम साहब, ये आपके लिए सीडी देकर गया है. राहुल सर. कौन? पापा, राहुल सर, आरके म्यूजिक कंपनी के मालिक. ओ. सर, आप यहाँ? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकता. नहीं, सर, प्लीज कम. कम. पापा, राहुल सर. हेलो सर. हेलो यंग मैन. नाइस टू मीट यू. सेम हियर. आई मस्ट से Your daughter is very, very talented. Yes, she is. इनकी वीडियो सीरीज देखी मैंने, and हमारी कंपनी ने डिसाइड किया कि इन्हें अपने अगले एल्बम के लिए लॉन्च किया जाए. Congratulations. Really good. Thank you, sir. Thank you, sir. You're welcome. मैं ढूंढ रही हूँ कब
बायोडाटा तो बहुत अच्छा है। संगीत में एमए किया है आपने? यस सर। फिर भी आप शक्ल से और सूरत से तो राइटर लगते हो। मैं सर मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ सर। ओहो, संगीत में एमए किया है तो बराबर, लेकिन लाइफ में आगे जाके क्या बनना चाहते हो? एक्टर? सर म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। ओह, म्यूजिक डायरेक्टर ही बनना चाहते हैं आप? यस सर। तो आप किसी महान संगीतकार से इंस्पायर्ड तो होंगे? किससे इंस्पायर्ड है आप? सर वैसे आजकल के म्यूजिक डायरेक्टर्स को मैं नहीं मानता हूँ। नहीं, मैं राहुल जी से इंस्पायर्ड हूँ। कौन राहुल? अपने राहुल साहब ने म्यूजिक देना शुरू किया? ए रोजी, राहुल जी ने म्यूजिक देना शुरू किया? अरे सर राहुल देव जी। राहुल देव? यस। मॉडल? एक्टर? एक्टिंग छोड़ दिया, अभी म्यूजिक देना शुरू किया उसने। बड़े बड़े दुख की बात है मिस्टर रंगीला, इतने महान म्यूजिक डायरेक्टर को आप नहीं जानते। सर इतनी आसानी से उनको दुनिया बुला नहीं पाएगी। आज भी उनके गाने रिमिक्स करवा कर लोग करोड़ों कमाते हैं। आज भी डिस्को में उनके गाने बजते हैं। अरे तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, दिल की महफिल सनम ये महफिल। बैठिए। कहीं आप आरडी बर्मन साहब की तो बात नहीं कर रहे? यस। हमारे इंडस्ट्री में उनको पंचमदा कहते हैं। राइट सर। गुड। आप जाइए, कल 11 बजे स्क्रीन टेस्ट के लिए आ जाइए। सर मैं एक्टर नहीं हूँ, म्यूजिक। हाँ, टेस्ट के लिए आ जाइए, अपना टेस्ट मतलब ऑडिशन टेस्ट के लिए। अरे मैं सिंगर नहीं हूँ सर, मैं म्यूजिक डायरेक्टर। क्या हुआ, म्यूजिक डायरेक्टर को अच्छी आवाज की जरूरत नहीं क्या? नहीं। हाँ, अगर आपकी धुन गाकर सुनाने तो कैसे सुनाएंगे? हाँ, डब्बी में भेज देंगे, होटल में भेज देंगे, तो क्या लिख के देंगे? गाकर सुनाऊंगा सर। रंगीला साहब, आवाज तो हमारी भी बहुत अच्छी है, अब ये म्यूजिक डायरेक्टर तो नहीं ना बन पाए, ये गाने में तो चांस दिलवा दीजिए प्लीज सर। देखिए हम आपको अभी ऑडिशन दे सकते हैं, अब हमारे गाने का नमूना देख लीजिए, बस एक गाने का हमारा खाली नमूना देख लीजिए, एक सेकंड सर। भंग का रंग जमा हो चकाचक फिर लो पान चबा, अरे ऐसा झटका। झटका लगा। अच्छी आवाज है यार, दावे के साथ बोल सकता हूँ, राहुल साहब अगर तुझे नौकरी से लात मारकर हकल देंगे ना तो भूखा नहीं मरेगा, किसी भी ट्रेन में भीख मांग कर अपना पेट पालेगा। है ना, पालेगा ना। ए रोजी, उधर क्या ध्यान दे रही है, इधर ध्यान लगाओ, मैं राहुल साहब से मिलकर आता हूँ। चलिए आप, कल आना है ना टेस्ट के लिए। हाँ। सुबह से कुछ खाना पीना नहीं, चलिए आप। सर पर सर मैं... ये तुम्हारे लिए। ये क्या है सर? खुद ही खोल कर देख लो, गो ऑन टेक अ लुक। 10 लाख का चेक सर, लेकिन ये मुझे क्यों दे रहे हैं? सिंपल, क्योंकि तुम ये डिजर्व करती हो, और ये तुम्हारा प्राइस नहीं, सिर्फ एक छोटा सा तोहफा है। नहीं सर, ये चेक आप ही रख लीजिए। नो, आपने तो मुझे मौका दिया है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। नहीं। ए रश्मि, बिजनेस टेबल पर बैठकर इमोशनल नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि कला का कोई मोल नहीं होता, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कलाकार के पास पेट भी होता है। सर जिंदगी तुम चेक लिए बगैर काम करोगे तो भूखी मर जाओगी, बराबर कहा ना सर? He's right. और वैसे भी लक्ष्मी खुद चलकर घर आती है तो उसकी इज्जत करनी चाहिए, स्वागत करना चाहिए। और एक सिद्धि विनायक मंदिर जाके 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाना। जी जरूर। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है। मेरी एल्बम की रिलीज पार्टी में अगर मल्लिका जी चीफ गेस्ट बनकर आए तो मुझे बहुत खुशी होगी। अरे इसमें क्या बड़ी बात है, मल्लिका राहुल साहब की दोस्त है और ये बोलेंगे तो वो जरूर आ जाएंगे, क्यों साहब? ऑफ कोर्स, इन फैक्ट मैं अभी तुम्हें मल्लिका के पास ले चलता हूँ, तुम खुद ही उसे इनवाइट करो, कम। फीलिंग नर्वस? डोंट वरी, रिलैक्स, मल्लिका से मिलकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। बैठो तुम, अल्कोहल बी कंफर्टेबल। सर मल्लिका, दैट्स रश्मि। हेलो मैम। इन्हें तुम जानती हो मल्लिका? आई थिंक शी इज द सेम गर्ल जिसे तुमने नए एल्बम में इंट्रोड्यूस किया। दैट्स राइट। बहुत नर्वस थी बेचारी, तुमसे मिलना चाहती थी। अच्छा, गॉन रश्मि, कहो तुम क्या कहना चाहती थी इनसे? एक्चुअली मैम, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, मतलब आपकी परफॉर्मेंसेस देखकर।
मैं आपकी गानों के वीसीडी लगाकर आपकी तरह डांस करने की कोशिश करती थी। कल मेरे एल्बम का रिलीज फंक्शन है, ये मेरी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। मैं चाहूंगी कि मेरा एल्बम आपके हाथों ही रिलीज हो। कल अगर आप अपने कीमती वक्त से मेरे लिए थोड़ा टाइम निकाल लें तो मैं जिंदगी भर आपकी एहसानमंद रहूंगी। डोंट वरी, मैं जरूर आऊंगी। आई विल कम फॉर श्योर। थैंक यू मैम, थैंक्स। Now, ladies and gentlemen, please welcome our chief guest, Miss Mallika, famous pop star, Miss Mallika. Please, please give us way. Please, thank you. Welcome, Mallika ji, welcome. Aye, aye. Please. Now, ladies and gentlemen, please welcome Miss Rashmi. Hello, ma'am. Congrats. Hello, sir. Rashmi ji, please. Go ahead. Please. पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल, मैं निकलती हूँ। अरे डोंट बी सिली मलिका, इतनी जल्दी क्या? नहीं, आई हैव टू गो। कम ऑन मलिका, थोड़ी देर रुक जाओ। स्टे बैक, आई एम बिट बिजी, आई हैव टू गो। ओके, अच्छा चलो, मैं तुम्हें गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। हेलो, मैं मनमोहन रंगीला बोल रहा हूँ। हेलो सर, हाउ आर यू? या आई एम फाइन। रश्मि, हे रश्मि, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। अरे तुम्हारा एल्बम हिट, मतलब सुपर हिट हो गया। रियली? आई कांट बिलीव इट सर। या टीवी पे कितना बड़ा कवरेज आ रहा है, तुम देख सकती हो अभी। रियली सर, कौन से चैनल पे? अरे किसी भी चैनल पर देखो। हे रश्मि, मैं तुमसे बहुत बड़ी पार्टी लेने वाला हूँ। हाँ सर, जब चाहे ले लेना पार्टी। नहीं नहीं नहीं, आई वॉज जस्ट जोकिंग यार, मुझे पार्टी वार्टी नहीं चाहिए। मैं तो चाहता हूँ एक के बाद एक तुम्हारे सभी एल्बम हिट होते रहे और बस तुम बड़ी बड़ी, मतलब बहुत बड़ी मल्लिका की तरह स्टार बन जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। विश ऑल द बेस्ट, बाय। ओके सर, बाय। यस, Rashmi, it's you? Yes, Papa, it's me. It's you? It's really me. Oh my God, I can't believe it. मेरी बेटी का फोटो मैगजीन के कवर पेज पर। हाँ पापा, आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। वाकई बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। मुझे तो लग रहा था कि कहीं ग्लैमर वर्ल्ड में आकर मेरी बेटी ने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। But you really proved it. Yes, Papa. You I really did it. Proved I did it. It. One minute, Papa. Hello. Sir, did you hear the good news? Our album बहुत बड़ा हिट हो गया है. हाँ सर, आप कहाँ हैं? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ. तो आप अंदर क्यों नहीं आ रहे? Okay sir, मैं अभी बाहर आती हूँ. Papa, it's Rahul sir. वो बाहर खड़े. I have to meet him. Okay. 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 So, Rashmi, are you happy? Yes, sir. I am so excited. I am so happy and so grateful to you. मुझे पता नहीं मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? कर तो सकती हो, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या है सर? Nothing. बताइए सर, कैसी प्रॉब्लम? नहीं रश्मि, सोचता हूँ अगर तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बता दूं तो तुम टेंशन में आ जाओगी। प्लीज सर, बताइए ना। तुम उलझन में पड़ जाओगी। शायद आपकी सीरियस प्रॉब्लम का सलूशन मैं बता सकूं। नहीं रश्मि, जाने दो। तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बताकर मैं तुम्हें उलझन में नहीं डालना चाहता। प्लीज सर, बताइए ना।
अगर बारूद ओके तुम बताओ तो सही क्या कहा तुमने तुम यही तो मैं सुनना चाहता था रश्मि ये कार तुम्हारे लिए गिफ्ट है गिफ्ट सर ये कार तो बहुत महंगी होगी ये मैं नहीं ले सकती रश्मि गिफ्ट की कीमत नहीं देखते देने वाले का दिल देखा करते हैं रश्मि I love you ये चेहरा ये आंखें ये जुल्फें ये जलवे ये चेहरा ये आंखें कोई देखा नहीं सनम मोहब्बत है तुमसे मोहब्बत की कसम मोहब्बत है तुमसे मोहब्बत की कसम ये चेहरा रातों में तेरी यादों में नींद उड़ जाती है ख्वाब भी आते हैं दिल भर क्या बोलूं तुमसे हाले दिल हम भी तन्हाई में जान से जाते हैं धड़कन जो चल रही है वो है तेरा करम मोहब्बत है तुमसे मोहब्बत की कसम मोहब्बत है तुमसे मोहब्बत की कसम लगता है हम कहीं रहते हैं दिल कहीं रहता है ओ चैन एक पल नहीं अब तुम्हारे बिना जिंदगी है तुमसे दिल यही कहता है जितना भी चाहे तुमको उतना है यार कम मोहब्बत है तुमसे मोहब्बत की कसम मोहब्बत है तुमसे मोहब्बत की कसम ये चेहरा ये आंखें ये जुल्फें ये जलवे इतना हसीं तो कोई देखा नहीं सनम मोहब्बत है तुमसे मोहब्बत की कसम मोहब्बत है तुमसे मोहब्बत की कसम ये चेहरा
ये आंखें, ये ज़ुल्फ़ें, ये जलवे, राहुल आज मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोच रही थी। अच्छा? तुमसे मिलना भी चाह रही थी। इनफैक्ट आई वाज गोइंग टू कॉल यू, इसीलिए तो आज मैं यहाँ आ गया। कॉल इट टेलीपैथी स्वीटहार्ट, तुम जब भी मुझे अपने दिल से याद करोगी मुझे अपने सामने पाओगी। बातें मत बनाओ, आजकल मुझसे मिलने के लिए तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है। कम ऑन मलिका, ऐसा नहीं है। तुम तो जानती हो ना मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए मेरी जिंदगी में खास जगह है, लेकिन काम का आजकल इतना प्रेशर है इसलिए इन दिनों मैं तुम्हें मिल भी नहीं पाता हूँ। आई एम सॉरी। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है तुम पहले से कुछ बदल गए हो। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा मलिका, मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। मुझे एक ऐसी लड़की मिल गई जिसे कि मैं अपनी लाइफ पार्टनर बना सकूं। आई एम इन लव मलिका। कंप्लीटली madly and hopelessly. और तुम जानती हो वो लड़की कौन है? She is none other than Rashmi Malika. Rashmi. I'm so happy Malika. I'm just so excited. और तुम जानती हो मैंने उसे शादी करने का फैसला किया है। गुड न्यूज है जयदेव, बहुत जल्द मलिका को एक मजबूत सहारे की जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि अचानक उसके दिल पर एक गहरा जख्म लगने वाला है। मोहब्बत में हारी औरत को जो मर्द सहारा देता है ना, वो उसे जिंदगी भर के लिए जीत लेता है। तुम्हारे जीतने का वक्त आ गया जयदेव। राहुल मलिका से धीरे धीरे दूर होता जा रहा है, शायद वो रश्मि से मोहब्बत करने लगा है। स्वीटहार्ट, वन सेकेंड। एक्सक्यूज मी सर। सर चामुंडा फिल्म्स का एग्रीमेंट तैयार है, आप एक बार नजर डालिए और साइन कर दीजिए। ओके स्वीटहार्ट, आई विल जस्ट कॉल यू बैक। बाय बाय। सर एक बात पूछूं? पूछिए। आप रश्मि से प्यार करते हैं? जी। अगर आप रश्मि से प्यार करते हैं तो मलिका के साथ आपका क्या रिश्ता है? मलिका, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, और उसे मेरे और रश्मि के बारे में सब कुछ पता है। देखिए रंगीला जी, इस दुनिया में चाहत के कई रंग होते हैं। मेरे दिल में मलिका और रश्मि दोनों के लिए चाहत है, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि रश्मि मेरी मोहब्बत है और मलिका मेरी इंस्पिरेशन, मेरी प्रेरणा। क्या बात है मैम, आज आप हार्ड ड्रिंक ले रही हैं? जिंदगी में जो बदलाव आता है ना लीजा, तो बहुत कुछ बदल जाता है। मैंने तो सिर्फ अपना ड्रिंक बदला है। लोग रिश्ते बदल डालते हैं। ये शराब आपके गम को नहीं मिटाएगी मैडम, बल्कि इसकी हर बूंद आपके दर्द को और बढ़ा देगी। किसने कहा तुमसे कि मुझे गम है? मैं बहुत बहुत खुश हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि राहुल की जिंदगी में बे इंतहा खुशियां आ गई हैं और मैं उसकी खुशी सेलिब्रेट कर रही हूं। चीयर्स। और इसलिए आई एम हैप्पी। यस
मैं रियली खुश हूँ। मेरी आंखों में देखो, आंसू का एक कतरा भी नजर नहीं आएगा तुम्हें। राहुल इज सो स्वीट। खुदा की मुझसे कहने लगा कि उसे रश्मि से प्यार है। बताऊं? बताऊं उसने कैसे कहा? बताती हूं। मुझसे लिपट के, चिल्ला के, जोर से कहने लगा, मलिका, आई एम इन लव मलिका, और मैं उससे शादी करने जा रहा हूं, और तुम जानते हो किससे? रश्मि से। रश्मि से। लेकिन ये ऐसे अचानक कैसे हो गया? राहुल तो मुझसे प्यार करता था, वो तो मुझसे प्यार करता था। राहुल लव मी, फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? Good. Now go forward. One, two, three, four. Excellent, Rashmi. Back up for the day. Back up for the day. Very nice. Very okay. Nice. Bye, Rashmi. See you. See you. See you tomorrow. Bye, girls. Bye. See you 10 o'clock. Okay, bye. Let's go, Rajesh. Bye. See ya. क्या बात है? बहुत अच्छा डांस किया आपने. गाल कर दिया आपने तो. अरे कलेजे में हारमोनियम बज गए टंटनाटन. थैंक यू मैडम, ये आपका एल्बम है ना, ये भी सुपरहिट होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है। बोलिए। क्योंकि आप इतनी बड़ी स्टार है, ये राहुल साहब है ना, वो तो आपकी मुट्ठी में है। अरे आप जो कहेगी वो करने के लिए वो तैयार है। थोड़ी हमारी सिफारिश कर देती तो आपके साथ साथ हमारी भी लाइफ बन जाती। देखिए हम बहुत अच्छे गाने बनाते, बहुत अच्छी अच्छी धुनें तैयार की हमने। रॉक एंड फॉक म्यूजिक को मिक्स करके ऐसा शॉक म्यूजिक बनाया है, क्या बताएं आपको। फिलहाल आप स्टार है, हमारे गाने गाइए, इंटरनेशनल स्टार बन जाएगी। समझ गई आप? किसी दिन घर आना, सुन लूंगी। धन्यवाद। अरे रश्मि जी, आप इसके चक्कर में मत आइए, वरना अपनी पकाऊ धुने सुनाकर आपको भी पका डालेगा और घर पे मत बुलाएगा, पूरा एरिया खराब हो जाएगा। आप जाइए, राहुल साहब आपका गाड़ी में इंतजार करेंगे। क्या दुश्मनी है हमारे तुम्हारे साथ? बना बनाया काम बिगाड़ दिया। अच्छा खासा पटा लिया था रश्मि को। क्या बोला तू? अच्छा खासा पटा लिया था। क्यों बोला तू? क्यों? अरे मालिक के आइटम को तो पटा डालने की बात कर रहा है। नहीं, मेरा मतलब कोई ऐसा नहीं था। वो क्या था? एक्सक्यूज मी, हु इज मिस्टर रंगीला? आपने नहीं देखते हो का? ई है रंगीला। ओह सर, एक्चुअली मैं एक एक्टर हूँ। आई एम फ्रॉम एनएसडी। ओह गुड। एनएसडी मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। यस सर। अरे वाह, बोलिए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? सर मैं यहाँ हीरो बनने के लिए आया हूँ। क्या? सर मैं यहाँ हीरो बनने के लिए आया हूँ। आपकी म्यूजिक कंपनी फिल्में भी बनाती है ना। इसलिए आपसे मिलने चला आया। अच्छा, गुड। तो आपको हीरो बनना है? यस सर। तो आप किस एक्टर से मतलब इंस्पायर्ड हो? नहीं। ऑब्वियसली मिस्टर बच्चन। कौन है बच्चन? क्या जाओ? किधर जाओ? जाओ पहले उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था। क्या? मेरा बाप चोर है। क्या चोरी किया था?
सर जमीन हिंदुस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम बादशाह खान है। हाँ। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा विजय दीनानाथ चौहान। पूरा नाम? हाँ। बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासनी चौहान। गांव मान वाला। आज मेरे पास गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, पैसा है, प्रॉपर्टी है। क्या है तुम्हारे पास? क्या पान है? खाओगे? धैन धैन डैंग। ये एक्टर के साथ साथ म्यूजिक डायरेक्टर भी है भैया। डैंग डैंग डैंग। आज खुश तो बहुत होगे तुम। आए बहुत धन्यवाद है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारे लेकिन तुम्हारे जितना गरीब मैंने आज तक नहीं देखा। गुड बाय मिस आर के गुप्ता। आए मुझे हो तो नथू लाल जैसी हो वरना ना हो। अच्छा ए एक्टर बहुत हो गया, चल गेट आउट गेट आउट। क्या बोलता तुम इंग्लिश में? गेट आउट बोला है। क्या बोलता है? हाँ? ये सब तोड़ो, उसका पैसा मांगता है तुमको? कितना पैसा मांगता है? ये लो कितना पैसा मांगता है? तुम भी लो, कितना पैसा मांगता है? बात करता है। क्या हुआ? का हो गया भैया? का हो गया? मजबूर। अरे पानी लाओ, मजबूर है, पानी लाओ। क्या हो गया भैया? अरे यार डॉक्टर को बुलाओ, एम्बुलेंस लेके आओ, मजबूर है बाबा। अरे यार मैं मजबूर फिल्म की बात कर रहा हूँ, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये है मिस्टर बच्चन। ओ हो, तो मतलब आप अमिताभ बच्चन से इंस्पायर्ड है? वाह, स्टार ऑफ द मिलेनियम। गुड। अमिताभ बच्चन, अरे हम उनको बिग बी बोलते हैं, कांग्रेचुलेशंस। वाह, क्या हुआ? अरे वाह, अरे यार तुम बिल्कुल अमिताभ बच्चन जैसे दिखते हो। क्या बात कर रहे हैं? आवाज भी बिल्कुल अमिताभ बच्चन जैसा है। लेकिन क्या है ना, हमारी कंपनी डुप्लीकेट एक्टर को लेके फिल्में नहीं बनाती, तो प्लीज आप जाइए। अब जाइए जाइए, बिल्ला 786 ले आइए। साला, आज तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन अगले साल मुझे मिलने के लिए आपको मेरे ऑफिस में आना होगा। अपॉइंटमेंट लेके आना कल। लो बुड़बक साला। आ जाते खेत खलियान बेच के वीटी टर्मिनस, कुरला टर्मिनस। वो भी तुम्हारे जैसा ही साला, कुरला टर्मिनस। क्या बोल? क्या हुआ, गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ लो और इन पर साइन कर दो। क्या है इनमें? पढ़ लो ना, पता चल जाएगा। इतने सारे पेपर्स मैं नहीं पढ़ सकती, तुम बताओ क्या है, मैं साइन कर दूंगी। ओके एक साइन यहाँ करो और एक साइन यहाँ। ये लो। जानती हो बिजनेस का पहला उसूल क्या है? क्या? किसी भी डॉक्यूमेंट को बिना पढ़े साइन नहीं करना चाहिए। क्या पता मैंने तुमसे एक ऐसा बॉन्ड साइन करवाया हो जिस बॉन्ड में शायद ये लिखा हो कि तुम्हें अब सारी जिंदगी सिर्फ मेरे लिए गाना पड़े। क्यों ना बनाओ? राहुल, मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम कर चुकी हूँ, मुझ पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं, मैं पूरी की पूरी तुम्हारी हो गई हूँ। ये तो मेरे लिए खुशी की बात होगी कि मैं सारी जिंदगी बस तुम्हारे लिए गाऊं। तुम्हारी इसी अदा पर तो मर मिटने को दिल चाहता है। अब तुम्हें एक सरप्राइज दूं? जानती हो उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है? क्या लिखा है? हमारी कंपनी के नए रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मैंने तुम्हें अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया है। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी रश्मि, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाऊं। इसीलिए सोचा कि पहले बिजनेस पार्टनर ही बना लूं। That's it. बिल्कुल दीवाने आशिक हो तुम। वो आशिक ही क्या जिसमें दीवानगी ना हो। I love you.
बरसात है तन्हाई है, इश्क की रात है बरसात है तन्हाई है, ऐसे आलम में दिल की बात लब पे आई है, इश्क की रात है बरसात है तन्हाई है, इश्क की कश्ती किसी तूफान से टकराई है, ऐसे आलम में दिल की बात लब पे आई है, इश्क की रात है बरसात है तन्हाई है, करे प्यार की रसवाई है, हम अगर शिकवा करे प्यार की रसवाई है, ऐसे आलम में तेरी याद हमें आई है, इश्क की रात है बरसात है तन्हाई है, बरसात है तन्हाई है, इश्क की रात है बरसात है तन्हाई है, इश्क की रात है बरसात है तन्हाई है, इश्क की रात है बरसात है तन्हाई है।
रश्मि ने बताया कि तुम मुझसे कुछ खास बात करना चाहते हो। जी सर। बोलो। माफी चाहूंगा, क्या है कि मेरी फैमिली में कोई बड़ा नहीं, इसलिए ये बात मैं खुद कर रहा हूँ सर। दरअसल रश्मि और मैं एक दूसरे को प्यार करते हैं और मैं चाहता हूँ कि वो मेरी जीवन साथी बने। रश्मि बहुत ही संस्कारी लड़की सर। जब मैंने उससे शादी की बात की तो उसने कहा वो खुद कोई फैसला नहीं कर सकती, जो भी फैसला करेंगे वो पापा ही करेंगे। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ बेटे, बट वी हेल फ्रॉम टू डिफरेंट क्लासेस। हम समाज के दो अलग अलग तबकों के लोग हैं। रश्मि तुम्हारे सोसाइटी में फिट हो पाएगी या नहीं, ये भी सोचना बहुत जरूरी है, नहीं? कभी कभी प्यार के जुनून में लोग शादी तो कर लेते हैं, मगर शादी के बाद दो कल्चर का टकराव शुरू हो जाता है, ईगो क्लैशेस होने लगते हैं और नतीजा ब्रेकअप, डिवोर्स, शादी टूट जाती है, समझे आप? लेकिन सर, मैं और रश्मि एक दूसरे को अच्छी तरह समझ चुके हैं, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं होगा सर। ठीक है, लेकिन इस वक्त कुछ नहीं कह सकता मैं। पहले मुझे रश्मि से बात करनी होगी, उसके बाद ही कोई फैसला ले पाऊंगा मैं। ओके ओके सर, आई होप आप मेरे फेवर में ही डिसाइड करेंगे। बाय बाय। बाय सर। वेलकम वेलकम मलिका जी, वेलकम। हेलो जतिन भाई, तुमने तो मुझे मरवा ही डाला, मेरे 5 लाख रुपए वेस्ट हो गए। मैंने सोचा था मलिका के आने से मेरे शोरूम को बहुत बड़ी पब्लिसिटी मिलेगी, सारे चैनल वाले आएंगे, यहाँ तो कोई भी चैनल वाले नहीं आए, देयर इज नॉट अ सिंगल रिपोर्टर। जयदेव। यस मैम। इनके पैसे वापस कर दो। ओके मैम। राहुल इज अ नाइस गाय पापा, मुझे पूरा यकीन है कि वो एक आइडियल हस्बैंड साबित होगा। मैंने कब कहा कि वो बुरा आदमी है? ऐसा कहा क्या? ही मे बी अ गुड मैन, मगर शादी, शादी का फैसला बहुत अहम फैसला होता है रश्मि, इसलिए ये सोचना बहुत जरूरी है कि जैसे तुम अपनी जिंदगी का पार्टनर बनाना चाहती हो, वो जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभा पाएगा या नहीं। पॉप स्टार मल्लिका और राहुल के रिलेशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है मैंने। राहुल एंड मल्लिका जस्ट गुड फ्रेंड्स पापा, इससे ज्यादा उन दोनों के बीच और कुछ नहीं है। मीडिया वाले तो अक्सर उन दोनों के अफेयर की न्यूज छापते रहते हैं, लेकिन पापा इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यू नो पापा, व्हेन यू आर अ सेलिब्रिटी यू हैव टू पे द प्राइस, और आप तो जानते हैं ग्लैमर वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही है, मीडिया वाले तो कभी भी किसी को किसी के साथ लिंक अप कर देते हैं। मुझे तुम्हारी खुशी का पूरा ख्याल है रश्मि, इसलिए जल्दबाजी में कोई भी फैसला करना ठीक नहीं होगा। मैंने राहुल को अच्छी तरह से परखा है पापा, वो ग्लैमर वर्ल्ड के दूसरे लोगों से बहुत अलग है, लेकिन फिर भी अगर राहुल आपको पसंद नहीं है तो आप जो भी फैसला चाहें कर सकते हैं। अगर यही बात है तो मेरा भी फैसला सुन लो, मेरे लिए
तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। अगर तुम्हें राहुल पसंद है तो तुम्हारी शादी राहुल से होगी। पापा, क्या बात है सर, आपने मुझे इस वक्त यहाँ बुलाया आज, मतलब कुछ खास बात है? हाँ, बहुत ही खास बात है मिस्टर रंगीला। ओके। डॉक्टर जेटली मेरी और रश्मि की शादी के लिए तैयार हो गए। ग्रेट 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 ग्रेट। दो दिन बाद एंगेजमेंट भी है। कांग्रेचुलेशन सर, मैंने पहले कहा था ना, डॉक्टर जेटली कभी इनकार नहीं करेंगे। मिस्टर रंगीला। यस सर। मैं चाहता हूँ कि एंगेजमेंट फंक्शन की सारी तैयारी आप ही करें। यस, मैं करूंगा सर, मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने आपको इतना बच्चा देखा, मुझे बहुत खुशी होगी। एक बहुत बड़ा इवेंट प्लान कीजिए। यस सर। इतना बड़ा कि वो यादगार बन जाए दुनिया के लिए। जी हाँ सर। हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर को भी खास इंस्ट्रक्शन दे दीजिए। ओके। कि टेलीविजन के सभी बड़े चैनल्स को इनवाइट करें। आफ्टर ऑल मिस्टर रंगीला, हम शोबिज में हैं। राहुल कपूर की एंगेजमेंट सेरेमनी सबको याद रहनी चाहिए। डोंट वरी सर, आपकी एंगेजमेंट की पार्टी यादगार बनाने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मिस्टर रंगीला, मुझे आप पर भरोसा है। थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन सर, आज अभी तक आप यही हैं? आज डेट कौन सा मालूम है? आज हाँ 18 जुलाई। क्यों, वाकई में आपको याद नहीं है कि आज? मिस्टर रंगीला, आप तो देख ही रहे हैं कि पिछले दिनों से काम में कितना बिजी रहा हूँ। बताइए ना, आज मल्लिका का बर्थडे है सर। Oh my God. ये आपने ठीक नहीं किया मैम। बर्थडे पार्टी ना रखने का लॉजिक तो समझ में आता है, लेकिन हम लोग तो आपका बर्थडे मिलकर सेलिब्रेट कर सकते थे। हर तरफ कितना शोर, कितना हंगामा होता था आज के दिन। आई फील रियली सैड, हर तरफ कितनी उदासी है। सूरज जब डूबता है लीजा, अपने पीछे अंधेरा छोड़ जाता है। उदासी अगर जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो उसे अपना लेना चाहिए। हैप्पी बर्थडे मैम, हम तीनों मिलकर आपका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। आइए केक काट लीजिए। इसकी क्या जरूरत थी, मैं केक काटने की मूड में नहीं हूँ। ये इतने प्यार से आपके लिए केक लेके आया है मैम, प्लीज इसका दिल मत तोड़िए। प्लीज मैम। प्लीज मैम। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। मलिका, 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 आई एम रियली सॉरी। सॉरी। सॉरी, आई वाज स्टक। एनीवे, ये क्या पार्टी इतनी जल्दी खत्म हो गई? पार्टी तो थी ही नहीं। रियली, हाउ कम? एनीवे, वैसे भी आजकल लोग अपने जन्मदिन पर कुछ अलग करते हैं। कई सारे लोग तो मंदिर में जाकर पूजा करके अपना जन्मदिन मनाते हैं। एनीवे स्वीटहार्ट, आई एम रियली सॉरी। एक बहुत ही बोरिंग और लंबी मीटिंग में फंस गया, इसलिए टाइम पर नहीं आ पाया। ये क्या अब तक केक नहीं काटा? समझ गया, मेरा इंतजार कर रही थी। चलो भाई केक काटते हैं, 12 बजने में सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। शैल वी कम ऑन स्वीटहार्ट, चीयर अप। Happy birthday to you, happy birthday dear Malika, happy birthday sweetheart. यार वैसे एक चीज बोलूं, मैं जल्दी में तुम्हारे लिए गिफ्ट लाना भूल गया, बट नो प्रॉब्लम, ये फूल मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। हाउ वंडरफुल, यहाँ शैंपेन भी है। लीजा, कैन यू ब्रिंग अस सम ग्लासेस प्लीज? श्योर, थैंक्स। Happy birthday, Malika. Thank you, Lisa. Thank you. Hey,
Here you go. Cheers. Cheers. Jayadev, thanks for champagne and flowers. Now leave me alone. Come, Rahul. Good night. अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। बैठो। कई बार सोचा कि तुम्हें फोन करो, फिर लगा आज का दिन तुम कहीं भूल तो नहीं गए। Not possible. राहुल, आज तुम नहीं आते ना तो मुझे लगता मैं हमेशा के लिए तुम्हें खो चुकी हूँ। मलिका, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? देखो, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से कभी अलग नहीं कर सकता। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और हमेशा रहोगी, I promise. राहुल, तुम्हें याद है कुछ महीने पहले तुमने मुझसे शादी का प्रपोज किया था? Of course. I remember. अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। I've changed my mind. मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उस वक्त मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की आ भी सकती है। राहुल, ये कैसे हो सकता है? ये जगह तो मेरी है, सिर्फ मेरी। मलिका, Rahul, let's get married. We are meant for each other, Rahul. Malika, it's not possible now. बहुत देर हो चुकी है. What do you mean? What do you mean? मैं रश्मि को धोखा नहीं दे सकता। उसे बहुत प्यार करता हूं मैं। तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मलिका, मैं तुम्हें भी चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे लिए जो चाहत है वो अलग है। इसका मतलब है उस रश्मि की वजह से आज मेरी चाहत कमजोर हो गई है? तुम उसे धोखा तो नहीं देना चाहते, लेकिन मेरी जात का खून करके अपनी जिंदगी आबाद करना चाहते हो? That's not true. तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मलिका, you're my best friend. I'm not your best friend. Best friend, best friend. All these years I've lived like your wife. Rahul, please, मुझे समझने की कोशिश करो। Rahul, देखो, मैं सब कुछ गवा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं। प्लीज राहुल, आई नीड यू राहुल, आई लव यू राहुल। मलिका, 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 जो नहीं हो सकता उसके लिए जिद मत करो, प्लीज, प्लीज। गेट आउट, गेट आउट। Malika, चले Malika, जाओ। Control yourself. तुम Malika, क्या समझते हो? Malika, get out. Get the hell out of here. तुम क्या समझते हो? तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं पाऊंगी। I will show you Rahul Kapoor. I will survive. Lisa. Lisa! Yes, ma'am. I need a drink. Sure, ma'am. देखिए, मैं आपसे कह चुका हूं इस बारे में आप मुझसे बात मत कीजिए। आप मिस्टर रंगीला को फोन कीजिए, वो आपसे बात कर लेंगे। प्लीज, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप मुझे फोन मत कीजिए। मिस्टर रंगीला को फोन कीजिए। थैंक यू।
I'm sorry, राहुल. कल रात तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं. मैंने तुम्हें गाली दी, थप्पड़ भी मारा. देखो तुम बदले में चाहो तो मुझे थप्पड़ भी मार दो, बट प्लीज फॉरगिव मी. आई वॉज ड्रंक, मैं होश में नहीं थी. आई नो यू आर अ वंडरफुल सोल मलिका, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन ये शराब ये बर्बाद कर देगी तुम्हें मलिका. प्लीज प्लीज अपने आप को संभालो, छोड़ दो ये शराब को. Hey, come on, cheer up now. देखो मैं दिल में कोई बात नहीं रखता, तुमने सॉरी कह दिया, बस बात खत्म. फगर बार कम ऑन चेयर अप. थैंक यू सो मच. यू वेलकम. और अब तुम्हें एक खास बात बताऊं, परसों मेरी एंगेजमेंट है और तुम्हें वहां जरूर आना. यू हैव टू कम. ओके परसों? आई वोंट टेक नो फॉर एन आंसर. तुम वहां आ रही? मैं जरूर आऊंगी. नाउ दैट्स अ गुड गर्ल, कम हियर. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? As you all are watching, we have a very big star, Miss Mallika Arora, as our special guest. मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि इस एंगेजमेंट पार्टी को यादगार बनाने के लिए ये कोई खूबसूरत सा गाना गाएं. दिल की बातें कभी कभी दिल में क्यों रह जाती है? दिल की इबादत
समझ में ना आए ये चाहत है क्या चीज हाय दिल की बातें कभी कभी दिल में क्यों रह जाती है अनजाने में जिंदगी तन्हा क्यों रह जाती है ये मोहब्बत समझ में ना आए ये चाहत है क्या चीज हाय मलिका जी क्या आपका राहुल के साथ ब्रेकअप हो गया राहुल और आपकी लव स्टोरी में ये अचानक ट्विस्ट कैसे आ गया राहुल और आप एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ये रश्मि अचानक बीच में कहां से आ गई कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका डाउनफॉल शुरू हो गया इसलिए राहुल ने आपको डिच कर दिया ऐसी कोई बात नहीं है राहुल मेरा अच्छा दोस्त है वो मुझे कभी डिच नहीं कर सकता और रही शादी की बात वेल उसके तो मैंने ही खुद ना कहा बाय द वे इज दिस इंटरव्यू अबाउट राहुल और अबाउट मी So please, can you change the topic? राहुल और आपके बीच वाइफ हस्बैंड का रिश्ता था तो क्या वो रिश्ता अब आई डोंट वांट टॉक अबाउट माय पास्ट बस मैं इतना कहूंगी राहुल और मेरे बीच जो पहले रिश्ता था वो आगे भी रहेगा ही इज माई फ्रेंड एंड ही विल ऑलवेज रिमेन माई फ्रेंड ओके नाउ बाय थैंक यू पापा ये मैगजीन पढ़ी तुमने रात को मल्लिका का टेलीविजन पर इंटरव्यू भी देखा उसने साफ कहा है कि राहुल के साथ उसके जिस्मानी ताल्लुकात थे और आगे भी रहेंगे ये तो अच्छा हुआ कि सिर्फ अभी एंगेजमेंट हुई है अगर शादी हो गई होती तो बड़ा अनर्थ हो जाता हमारी दुनिया ग्लैमर की दुनिया से अलग है रश्मि राहुल से शादी करके तुम कभी भी सुखी नहीं हो पाओगी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और ऐसा भी नहीं है कि राहुल की जिंदगी में सिर्फ एक मल्लिका होगी पता नहीं और कितनी लड़कियों के साथ उसके नाजायज संबंध होंगे रश्मि बेटे राहुल तुमसे प्यार नहीं करता वो सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती के पीछे दीवाना हो गया है अगर तुमने उसके साथ शादी कर ली तो शादी के बाद वो तुम्हें अपने बंगले में किसी सजावट के सामान की तरह सजा कर रख देगा और फिर तुम्हारे लिए बेटे तुम्हारे लिए एक घुटन भरी जिंदगी का सिलसिला शुरू हो जाएगा और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा आई थिंक इट इज बेटर फॉर यू टू Forget him. Please. आपने मेरे और मलिका के बारे में अपनी मैगजीन में जो छापा है आप समझ सकते हो उसे मेरी पर्सनल लाइफ कितनी इफेक्ट होती है मैं नहीं समझता कि मलिका अपने इंटरव्यू में ऐसी कोई बात कह सकती है ठीक है मुझे मलिका से बात कर लेने दीजिए और अगर मुझे जरा सा भी लगा कि आपने उस इंटरव्यू में मिर्च मसाला लगाकर छापा है देन आई विल टेक यू टू कोर्ट डू यू अंडरस्टैंड दैट गुड रश्मि हाय तुम कब आई अच्छा हो तुम आ गई मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था देखो वो मैगजीन में जो कुछ छपा है आई डोंट नो हाउ इट्स कम बट आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट शर्मा रही है मुझे अपने आप पर कि तुम्हें समझने में मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी मैं तो समझती थी कि मलिका और तुम्हारे बीच सिर्फ एक दोस्ती है जस्ट अ प्रोफेशनल फ्रेंडशिप कितनी गलत थी मैं
इतना बड़ा धोखा किया तुमने मेरे साथ राहुल। आई हेट यू। रश्मि, मलिका और मेरे बीच जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है। इट वाज अ थिंग ऑफ द पास्ट। उसके इंटरव्यू को इतना सीरियसली मत लो प्लीज। डोंट ट्राई टू कन्विंस मी राहुल। मैंने पढ़ा था किसी किताब में कि मर्द की भूख सिर्फ एक औरत से कभी नहीं मिटती। हाँ। वो एक ऐसा जानवर है जो हमेशा नए शिकार की तलाश में रहता है। आज तुम भी मुझे एक जानवर नजर आ रहे हो। कितनी चालाकी से तुमने मुझे अपनी हवस का शिकार बना लिया है। रश्मि, तुम मुझे गलत समझ रही हो। अगर मैं तुम्हें वासना की नजरों से देखता तो फिर एंगेजमेंट करने की क्या जरूरत थी। तुम्हारा जिस्म तो पहले ही हासिल कर चुका हूँ। ये रीजन काफी नहीं है तुम्हें एक अच्छा इंसान साबित करने के लिए, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जिस सोसाइटी में तुम रहते हो वहाँ मैरिज को भी एक लीगल प्रोस्टिट्यूशन समझा जाता है। शादी के पीछे तुम्हारे छिपे हुए मकसद को मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। मैरिज सर्टिफिकेट के सहारे तुम जब चाहे मेरे साथ अपनी अय्याशी करना चाहते हो। आई विल नेवर अलाउ इट। ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। ये रही तुम्हारी अंगूठी। रश्मि, रश्मि। मल्लिका जी, अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ जी। लेकिन एक बात श्योर जी, हमारा इस एल्बम के बाद आपके करियर को एक टर्निंग पॉइंट जरूर मिलेगा जी, आप देखना। मैडम, हमने ऐसा म्यूजिक कंपोज किया है कि फॉर श्योर दिस एल्बम इज गोइंग टू बी अ ट्रेंड सेटर। यस, आप देखना, इस म्यूजिक के आते ही आप मार्केट में एकदम आ जाओगी और लोगों के दिलों पे छा जाओगी। आई होप सो। लेकिन इसकी शूटिंग कहाँ कर रहे हैं? शूटिंग परवाइल्ले जी, परवाइल्ले। आप फिक्र नहीं करो जी, हम शूटिंग लंदन, स्कॉटलैंड। मैडम, हमारा एक बहुत बड़ा म्यूजिक कंपनी के साथ टाइप हुआ है जी। हम इस एल्बम का बहुत बिग, बहुत बड़ा पब्लिसिटी करेगा जी। हम आपका 25 फीट, नहीं नहीं 25 फीट का बड़ा बड़ा कटआउट लगाएगा जी। मैडम आप देखा ना। अरे राहुल, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। एनीवेज, मीट देम, दे आर मेकिंग एन एल्बम विद मी। हेलो। हाय सर। के तो सुना था कि औरत जब अपनी जगह से उठती है तो देवी बन जाती है, लेकिन जब अपनी जगह से गिरती है तो नीचता की सारी हदें पार कर जाती है। ये पहली बार देख रहा हूं। क्या बकवास कर रहे हो? ऐसे मैंने क्या किया है? Shut up, you goddamn whore! क्या औकात थी तेरी? हाँ बोल, क्या औकात थी तेरी? 1,000-2,000 में स्टेज शो करने वाली डांसर, मैंने तुझे जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी तक पहुंचाया, स्टार बनाया। ये दौलत, ये शोहरत, ये इज्जत, ये सब मैंने दी तुझे। मैंने, अगर मैं तुझे प्रमोट नहीं करता ना तो आज किसी पियर बार में डांस कर रही होती तू, और लोग 10-10 रुपए के नोट उड़ा रहे होते तुझ पर। मलिका, जब दिल जलता है ना तो जुबान से सिर्फ अंगार ही निकलती है। आज तेरे एक इंटरव्यू की वजह से रश्मि ने मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया। मलिका, ये हमेशा याद रखना, जो लोग दूसरों की जिंदगी में रोशनी नहीं बर्दाश्त कर सकते ना, उनकी अपनी जिंदगी भी अंधेरों में ही कटती है। अंडरस्टैंड। तुम्हारे और मेरे बीच जो कुछ भी था आज वो सब खत्म। इट्स ओवर, फिनिश्ड। मैंने तुझे जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी तक पहुंचाया, क्या औकात थी तेरी? 1,000-2,000 में स्टेज शो करने वाली डांसर, डैम्ड होर। नो मोर ड्रिंक्स मैम, प्लीज। तुम कौन होते हो? कौन होते हो मुझे ऑर्डर देने वाले? हाँ,
और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? किसने बुलाया तुम्हें? Get out! Get out! You also get out, Lisa! अकेला छोड़ो मुझे! I'm a whore. Whore! बगैर शादी के बीवी की तरह रही उसके साथ. That's why he called me whore. उसकी नजर में मैं whore हूँ. तो वो खुद क्या है? अगर उसने मुझे बनाया है तो वो खुद भी मेरी वजह से बना है. उसके बिजनेस एम्पायर की बुनियाद हूं मैं. जानते हो सबके सामने मुझे और बोला. He called me home. He called Malika home. Madam, madam, please, ma'am, please, please, ma'am. राहुल सर, जी, ये मर्द की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते सर. जिनके अंदर ये दर्द सहने की ताकत नहीं होती, हिम्मत नहीं होती, उनको प्यार करने का कोई हक नहीं बनता सर. प्यार के रास्ते में ऐसे मोड अक्सर आते रहते हैं. आपके लिए ये इम्तिहान की घड़ी है और ये इम्तिहान वो लोग जीते हैं जो हालात का मुकाबला करते हैं. नहीं मिस्टर रंगीला, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा. रश्मि कितना गलत समझती है मुझे. She thinks I'm a bad guy. अयाश कहा उसने मुझे. अब कौन जाएगा उसे समझाने कि मैं बुरा आदमी नहीं हूं? रश्मि जी को आपके बारे में गलत फहमी हुई है. जिस दिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी ना, हमें विश्वास है वो जरूर वापस लौट आएगी. हाँ बराबर बोला. I really love her. बहुत प्यार करता हूं उसे मैं. नहीं जी पाऊंगा उसके बिना. नहीं जी पाऊंगा. रंगीला जी आप. नमस्ते. देखो बेटी, ये मत समझना कि हम राहुल की तरफ से उसकी वकालत करने आए हैं, बल्कि मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आया हूं. क्या है ना रश्मि बेटी, प्यार की इमारत हमेशा विश्वास की जमीन पर खड़ी होती है. प्यार में अगर विश्वास ही नहीं है तो प्यार प्यार नहीं है, क्योंकि शक एक ऐसी दीमक है जो विश्वास की जड़ों को चाट चाट कर खोखला कर देती है. राहुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है. राहुल साहब आपसे प्यार भी बहुत करते हैं. पहली बार हमने उनकी आंखों में आंसू देखे. हाँ बेटी, अरे आज वो ऐसे पोजीशन पर हैं, अगर वो चाहें तो रोज उनको एक नई लड़की मिल सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे. अच्छा, मल्लिका के साथ उनका जो भी रिश्ता था वो था, लेकिन आज वो तुमसे प्यार करते हैं और सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं. रश्मि बेटी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक बार, सिर्फ एक बार तुम मेरे साथ आकर उनको मिल लो.
उनकी हालत देखकर तुम्हें खुद विश्वास हो जाएगा कि वो तुमसे किस हद तक प्यार करते हैं। रश्मि बेटे, कभी कभी सच कुछ और होता है और नजर कुछ और आता है। हो सकता है मिस्टर रंगीला जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई हो। आई थिंक यू शुड मीट हिम वंस। यस यस प्लीज। हाँ आइए 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 प्लीज आइए प्लीज आइए आइए आइए। राहुल साहब, राहुल साहब, रश्मि, रश्मि, दो प्यार करने वालों के बीच जब गलतफहमी दूर हो जाती है तो प्यार और बढ़ता है। हाँ, अब आप देखना, हाँ। आप दोनों के बीच का प्यार पहले से भी ज्यादा बढ़ जाएगा, इसका तजुर्बा है हमें। तुझे हर चीज का तजुर्बा मालूम है। लड़की कभी देखा नहीं लेकिन प्यार का तजुर्बा मालूम है। शादी कभी किया नहीं लेकिन सुहागरात का तजुर्बा मालूम है। देखो, शादी किए बिना सुहागरात का तजुर्बा नहीं हो सकता। हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। ये प्रैक्टिकल का है? प्रैक्टिकल का है मतलब, अबे भैया बाहर चल, इन दोनों को अकेला छोड़ दो, मैं तुम्हें बताता हूँ। शादी के पहले जो होता है ना, मंगनी। अरे मंगनी और शादी, भैया तुम 500 साल नहीं सुधरोगे यार। सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए मैं और तुम यहां से कहीं दूर चलते हैं, जहां सिर्फ मैं, तुम और बहुत सारा प्यार हो। I love you. I love you, रश्मि। चैन तुमने चुरा ली, नींद तुमने चैन तुमने चुराया, हमारा नींद तुमने चुरा ली, हमारी चैन तुमने चुराया, चुरा ली हमारी चैन तुमने चुराया, हमारा नींद तुमने चुरा ली हमारी। और कितना दीवाना करेगी यार हमको मोहब्बत तुम्हारी। चुरा लिया चैन तुमने, नींद तुमने। है चाहतों का ये सफर, कितना हसीन हम सफर, बाहों में मेरी तुम हर पल रहो। दी है बेकरारियां, पड़
जाने दो खुमारियां, होने दो हो रहा जो कुछ ना कहो। देखो बेचैनियां बढ़ रही है, जान भी जा रही है हमारी, और कितना दीवाना करेगी यार हमको मोहब्बत तुम्हारी। चुरा लिया चैन तुमने, चुरा ली नींद तुमने। तुम भी जरा सुनो सनम, मौसम ये हमसे कह रहा, चाहत की भीनी आग में जलते रही। तुम्हारी चुरा लिया चैन तुमने, हाँ चुरा ले नींद तुमने, चुरा लिया चैन तुमने, हाँ चुरा ली नींद तुमने। लगता है जिंदगी से प्यार नहीं रहा आपको मैम, हर पल हर घड़ी मर मर के जी रही हैं आप। ये शराब आप नहीं पी रही है, बल्कि ये शराब आपको पी रही है। जिस इंसान ने आपकी जिंदगी में जहर भर दिया वो तो आराम से ऐश कर रहा है, और आप उसी की याद में घुट घुट के मर रही है। ये सरासर बेवकूफी है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। राहुल एक अय्याश किस्म का इंसान है, उसकी नजर में औरत सिर्फ एक ऐश का सामान है। आपके जिस्म और जवानी से जब उसका दिल भर गया तो किसी इस्तेमाल किए हुए चीज की तरह आपको निकालकर उसने फेंक दिया। उसने आपके साथ विश्वासघात किया है, उसने इस दिल को तोड़ा है। ही इज अ मॉन्स्टर, वो सिर्फ इस जिस्म का भूखा भेड़िया है, और उस इंसान के लिए अपनी जिंदगी को खत्म कर रही है। This is not right, madam. This is absolutely wrong. You are right. बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मैं अपने आप को सजा क्यों दे रही हूं? मरना तो उसे चाहिए है ना? काश अपने हाथों से मैं उसका खून कर सकती। ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आज के बाद किसी भी पल उसकी जिंदगी की फाइल बंद हो सकती है। He has destroyed my life. He does not deserve to live. Go. Go and kill him. हेलो, कहाँ हो? मैं गोवा पहुंच चुका हूँ। ये अचानक तुम गोवा क्यों पहुंच गए? राहुल के जिंदगी पे मौत का मोहर लगाने। आप फिक्र मत कीजिए मैम, अब वो जिंदा नहीं बच सकता। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, what are you talking? मैं वही कर रहा हूँ जो आपने मुझसे कहा था।
देखो जयदेव, मैंने नशे में ऐसे कुछ कह दिया होगा, but I don't want him to be killed, okay? But I don't want him to be alive also, ma'am. देखो समझने की कोशिश करो, ये मेरा पर्सनल मामला है, okay? तुम वापस आ जाओ प्लीज, राहुल को मारने की कोई जरूरत नहीं है जयदेव, अंडरस्टैंड? मैं जानता हूँ मैडम, उसकी मौत ही आपके दर्द का इलाज है. देखो तुमको मेरे दुख और दर्द से क्या मतलब है? हा? मतलब है तुम्हारी हर तकलीफ को अंदर से महसूस कर सकता हूँ मैं, तुम्हारे आंसू तेजाब बनकर जलाते हैं मुझे, तुम्हारा हर गम तड़पाता है मुझे, because I love you, I love you, I love you, did you hear that? I love you, I love you. तुम यहां? राहुल कहां है? हेलो, क्या चाहते हो तुम? तेरी मौत. तुम्हारी मेरी तो कोई दुश्मनी भी नहीं, फिर क्यों मारना चाहते हो मुझे? तेरी वजह से मलिका जीते जी मर चुकी है. जो जख्म तूने उसे दिया है वो तेरी मौत से ही भर सकता है. रिवॉल्वर हाथ में पकड़कर तो कोई हिजड़ा भी शेर की तरह ताड़ सकता है. जो मर्द होते हैं उन्हें इस खिलौने की जरूरत नहीं पड़ती. Shut up! Come on.
तुम्हारे आंसू तेजाब बनकर जलाते हैं मुझे, तुम्हारा हर गम तड़पाता है मुझे, बिकॉज आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैंने इसे क्यों मारा जानती है तू? क्योंकि मैं राहुल को मरता हुआ नहीं देख सकती, लेकिन मेरे जीते जी राहुल किसी और का हो जाए ये भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए तुझे मरना होगा। ये क्या पागलपन है मलिका? डोंट शूट हर। अगर मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया तो मुझे गोली मारो, कम ऑन, किल मी, मारो मुझे। नहीं राहुल, मरता हुआ तो मैं भी तुम्हें नहीं देख सकती। लेट हर किल मी। मुझे मारने से अगर राहुल आपको मिल सकता है तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। मार डालिए मुझे, कम ऑन, किल मी। इसके लिए अपनी जान देके क्या साबित करना चाहती है कि मुझसे ज्यादा प्यार करती है इसे? ये नामुमकिन है रश्मि, इस जन्म में मुझसे ज्यादा प्यार राहुल से कोई नहीं कर सकता। And I'll prove it. मलिका क्या कर रही हो तुम? मलिका what are you doing? मलिका 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 ये क्या किया तुमने? मलिका मलिका भाई मलिका Na
जरूरी नहीं है कि हाँ है भरेगा लिखा माने दिल को वही लगाए ये शिकायत समझ